हेलो स्टूडेंट्स आई एम योर मैथ्स टीचर गौरवी राठौर लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तक करवा दिया है तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फिल द ब्लैंक्स आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इसमें ब्लैंक्स फिल करने हैं अ कोन हैज़ डैश वर्टेक्स डैश एज एंड डैश फेसेस कोन में कितने वर्टेक्स होते हैं कोन में वन वर्टेक्स होता है वन एज होता है और टू फेसेस होते हैं सिलेंडर अ सिलेंडर हैज़ डैश कर्वड फेस एंड डैश प्लेन फेसेस कव सिलेंडर में टू कर्व वन कर्व फेस होता है और टू प्लेन फेसेस होते हैं इसफेयर हैज़ डैश एज डैस वर्टिक्स एंड डैस फेस और इस्फेयर में जीरो एज होते हैं मतलब उसका कोई एज नहीं होता और वर्टेक्स भी जीरो होते हैं और फेस वन होता है क्यूबॉयड हैज़ डैस फेसेस और क्यूबॉयड में कितने फेसेस होते हैं सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग आपको इसमें जो है ये डायग्राम बनाने हैं जैसे आपको ये लिखे हुए हैं जैसे क्यूबॉइड है कोन सिलेंडर स्पेयर हैंड स्पेन पेस क्यूबिट इन सब के आपको पिक्चर्स बनाने हैं ये आपको खुद करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन राइट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द फॉलोइंग आपको इनके स्टैंडर्ड यूनिट लिखते हैं लिखने हैं तो लेंथ जो है किसमें लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मीटर लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर वेट का ग्राम और कैपेसिटी का होती है लीटर नॉर्मली जो लेंथ है वो मीटर में नापी जाती है वेट ग्राम में और कैपेसिटी लीटर में नाप में मेजर की जाती है फिल इन द ब्लैंक्स डैश मिली लीटर इक्व टू वन लीटर वन लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं थाउजेंड मिली लीटर वन किलोग्राम इक्वल्स टू डैश ग्राम वन किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं थाउजेंड हंड्रेड सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर ओ डैश मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होता है वन मीटर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग अब ये आंसर जो है इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं हाउ मच टाइम डज अ मिनट हैंड टेक टू मूव वन राउंड ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक कितना टाइम जो है मिनट हैंड लेती है क्लॉक में पूरा एक राउंड अपना करने के लिए तो पूरा वन ट्वेल्व से ट्वेल्व तक आने के लिए जो है मिनट हैंड कितना टाइम लेती है सिक्सटी मिनट्स जैसे वन आवर में सिक्सटी मिनट होते हैं तो वन आवर में पूरा जो मिनट हैंड होती है पूरा एक सर्कल ले लेती है पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो वो है सिक्सटी मिनट्स में एक अपना पूरा राउंड कंप्लीट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक वन वीक में कितने डेज होते हैं तो वन वीक में आपको पता है सेवन डेज होते हैं और सबके नाम लिखने हैं आपको हाउ मनी मंथ देयर इन एयर आपको बताना है कि वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं तो ये भी आपको पता है ट्वेल्व मंथ्स होते हैं वन ईयर में और उन सबके नेम लिखने हैं हाउ मैनी सीजन आर देयर इन इंडिया इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं तो इंडिया में सिक्स सीजन्स होते हैं ठीक है उनके नेम है जैसे ये रहे शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद एंड हेमंत ये इसके नेम्स हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी लुक एट ईच ऑफ द क्लॉक ई बिलो एंड राइट डाउन द करेक्ट टाइम इन द गि बॉक्सिस इन टू वेज देखिए आपको ये आपको ये क्लॉक्स दिख रही हैं ये क्लॉक्स आपको देखनी है और इनमें जो आपको टाइम शो हो रहा है दिख रहा है उसे आपको टू टाइप्स में लिखना है सबसे पहले आपको देखिए फर्स्ट वाली घड़ी में जो है कितना टाइम हो रहा है नाइन थर्टी नाइन थर्टी को और हम क्या लिख सकते हैं हाफ पास्ट नाइन सेकेंड में कितना टाइम हो रहा है थ्री थर्टी तो इसे लिख दिया थ्री थर्टी और सेकेंड वे में आपको खुद लिखना है इसका और ऐसे ही थर्ड थर्ड में जो है कितना हो रहा है टू टू ओ हो रहा है तो इसे सेकेंड वे में आपको खुद लिखना है सो so, क्लास ये हो गई आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म आज सो so, आई आपको ये इतना ये जो है अपनी बुक में फिल करना है और जो क्वेश्चन मैंने नोटबुक में बोले हैं वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं आई होप यू एंजॉय माई क्लास थैंक यू